हेलो गाइस, कैसा सबके सब हो? अच्छे होंगे गाइस। और आपने थंबनेल देख के आज आपको पता लगा कि हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले अपनी होंडा ग्रेजर में हैंडगार्ड लगाने वाले हैं। तो अभी अन्नी आता ही होगा घर में, तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया है, तो अभी हैंडगार्ड लेके आता ही होगा। तो आपको दिखाते हैं प्रॉपर कि कैसे कैसे हम हैंडगार्ड लगाते हैं। तो चलो चलते हैं गाइस। सो गाइस देख सकते हो, यहाँ पे हमारे अन्नी आ चुके हैं और बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं आज ये। सो गाइस ये रही अपनी ग्रेजिया। तो इसके अभी आगे आप देखते हो लोग, अभी कुछ ऐसा आ रहा है और अभी ये हज़ार लगे हुए हैं इसकी, तो वीडियो आपको दिख गई होगी। तो बाकी अभी इसमें हैंडगार्ड लगने वाले हैं, तो अभी हैंडगार्ड लगने के बाद देखते हैं इसका लुक कैसा आता है। तो अभी आप देख लो, इसका लुक अभी ऐसा आ रहा है। तो चलो चलते हैं फटाफट से दुकान में हैंडगार्ड लगाने। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं दुकान में, और ये रहे हमारे अंकल जी, देख सकते हो आप। फिर से हमारी गाड़ी में नई मोड करने वाले हैं, और ये हैंडगार्ड्स वगैरह देख सकते हो। अभी इसमें स्क्रू, ये इसमें स्क्रू है, स्क्रू है, स्क्रू लगाना है इसमें। बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं काफ़ी। तो गाइस ये हमारा, ये हमारे दोनों साइड के हैंडगार्ड्स है, और इसमें DRLs वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे जला के पूरी, क्योंकि इसमें वाइट एंड येलो है, और ये पूरी इसकी तार है, पूरी वायर, और जो उसके ये हैंडल्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके ये साइड के जो ये दिए हैं, ये एलुमिनियम के दिए हुए हैं, मतलब ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी है। ऐसा कोई छपरी वाला काम नहीं है फर्जी सा, जो लोग 600 रुपये में आते हैं। तो अगर आपको भी हैंडगार्ड लेने होंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी ये यहाँ लगेंगे अभी। बाकी ये सब सामान इसका है, तो आप देख सकते हो प्रॉपर ये है सारा सामान करके इसका सेटअप पूरा। तो यहाँ पे भी स्क्रू लगेंगे अभी, तो दिखाएंगे आपको पूरा जैसे जैसे काम होगा। गाड़ी हमारी लग चुकी है, अंकल जी हमारा तैयार हो चुके हैं, ऑन फायर। तो भाई देखो, सबसे पहले बता देता हूँ आपको, ये पूरा हेड खुलेगा, जिसके पास भी ग्रेजी है तो ये हेड खोलना आपको, और ये नोज़ भी खोलने, क्योंकि इंडिकेटर की वायर नीचे ही है, तो वायरिंग नीचे लगेगी प्रॉपर। अभी हम आपको दिखा देंगे, तो ये खुल चुका है और ये खुलता है। चलो इसको खोलते हैं फटाफट से और फिर आपको दिखाते हैं। काम चालू है यहाँ पे स्क्रू खोलने का, और इसमें काफ़ी पैनल्स इसमें अलग अलग हैं, खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है इसको, बाकी कोई बात नहीं, खोल लेंगे हम, हमने पहले भी खोला हुआ है इसे। और आप देख सकते हो, बाकी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ थोड़ा सा दुकान का ओवरव्यू। इधर स्प्रे वगैरह रखे हुए यहाँ पे, हेडलाइट्स वगैरह भी है, सीट कवर वगैरह, और ये किचन्स वगैरह है। तो ये दोनों पैनल निकालने का, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको खोलना है आपने। तो अभी देख सकते हो इनके होल में स्क्रू लगे हुए ऐसे। तो ये स्क्रू देख सकते हो आप, इस स्क्रू को टाइट करना है अपना, और ये भी टाइट हो चुका है, और आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, हमने भी ढीले छोड़े हैं, दोनों लग चुके हैं। तो चलो अब इसको लगाते हैं फटाफट से गाड़ी के अंदर। तो गाइस हम कर रहे हैं इसी कटिंग, क्योंकि इसी कटिंग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसके अंदर स्क्रू नहीं आते हैं, जैसे हमारी जो बाइक वगैरह होती है उसके अंदर स्क्रू आते हैं तो उसमें प्रॉपर फिट होता है, बट इसमें हमें थोड़ा सा कट करना पड़ेगा ये। तो ये ब्लेड से कट कर रहे हैं इसको हम, और उस साइड का भी ऐसे ही होगा सेम टू सेम प्रोसेस। उस साइड में प्रॉब्लम नहीं है, साइड एक्सेलेटर वायर है तो इस साइड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको फ्री फ्लो रखने के लिए हमें करना पड़ेगा ये। तो ये अब देख सकते हो, हमने होल कर दिया यहाँ पे, और अभी इसकी थोड़ी कटिंग हो रही है, क्योंकि इसको थोड़ा हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा होल को। तो प्रॉपर काम फिनिशिंग से हो रहा है एकदम आराम से, और फिनिश बिल्कुल देख सकते हो, अभी होल हो चुका है। कपड़ा भी मार रहे हैं साथ के साथ, कपड़ा भी मारा है देखो साथ के साथ। अंकल जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं गाड़ी का भी, ये हमारी गुड्डन में चाहिए, और बिल्कुल फ्री घूम रहा है इसके अंदर, ये ऐसे फ्री घूमना चाहिए देखो, क्योंकि अगर ये फ्री नहीं घूमेगा तो एक्सीलेटर घूमेगी नहीं और फंस जाएगी, और ये फंसेगी तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो यार आप ये देख सकते हो, हमने ये कर दिया कटिंग यहाँ पे से, क्योंकि ये कटिंग करना ज़रूरी था इसका, और अब काफ़ी, क्योंकि इसका भी हैंड गार्ड लगेगा तो इसके बीच में भी गैप चाहिए, क्योंकि एक्सीलेटर में प्रॉब्लम होगी मार्क करने में, तो एक्सीलेटर फ्री होना चाहिए। एंड ये अब प्रॉपर ऐसा जाएगा यहाँ पे इसके अंदर, और इसमें एक गैप भी हो जाएगा बीच में, ये आप देख सकते हो। तो मेन यही काम आपको देखना है बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप फिटिंग जैसे मर्जी कर लो, पर ये चीज़ देखनी है आपको।
यार अभी कुछ लुक ऐसा आ रहा है और अभी स्क्रू वगैरह टाइट हो रहे हैं इसके, तो आप देखते हो ये स्क्रू वगैरह टाइट कर रहे हैं इसके भी हम, तो अभी कुछ लुक थोड़ा ऐसा आ रहा है, अभी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी गाड़ी, तो अभी यार इसकी वायरिंग वगैरह भी होगी, तो देख सकते हो आप बाकी इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पर भी हमें रखने हैं इनको इसे भी आप डाउन कर सकते हैं हम, और ये एडजस्ट करने का ये स्क्रू है, यहाँ से हम इसको टाइट और लूज कर देंगे, फ्लैप है ये, इनको आप ऐसे रख सकते हो, इन्हें आप रॉकेट लॉन्चर में चला सकते हैं, हवा चीरते हुए जाएंगे। तो यार ये कुछ लुक है। सो गाइस यहाँ पे लग चुकी है हमारी वायर और अब वायरिंग हो रही है, क्योंकि ये अलग अलग लगेगी, एक अर्थ जाएगी, एक इंडिकेटर पे जाएगी और एक स्विच लगाएंगे अलग से, क्योंकि इसमें दो लाइट है, एक है येलो जो इंडिकेटर से कनेक्ट होगी और एक है DRLs, तो DRLs अलग लगेगी, उसके लिए हमें अलग से स्विच लगाएंगे यहाँ पे जो पुश बटन वाला स्विच होता है, क्योंकि वो जो हमें चाहिए होगा हम तभी ऑन करेंगे उसको, हम हेडलाइट से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें हेडलाइट था तो वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए अलग से स्विच लगाएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो अभी तारे हमारे लग रही हैं इसकी, जो जो तार जहाँ जानी होगी चला के दिखाइयो। तो ये रही DRLs, अभी तो थोड़ा कम लग रही होगी आपको, रात को हम इसका आपको पूरा रिव्यू दिखाएंगे पूरा बढ़िया से, और इंडिकेटर्स भी दिखा देता आपको, ये इंडिकेटर्स है और ये DRLs है। चलो अब इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं और ये हमने DRL के लिए स्विच लगाया हुआ है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है हमारा और अब फिटिंग हो रही है इसकी पूरी प्रॉपर, बंद कर रहे हैं इसको अब ढंग से, और ये भी नोज बंद कर देंगे और ये लग चुके हैं, तो आपको इसके सीधे सिनेमेटिक शॉट दिखाएंगे, चलो आप मजे लो।